वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, यानी हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों, इसके कुछ नियम होते हैं और बेसिकली हम इसमें एडजेक्टिव्स को कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव को कैसे हम कॉम्परेटिव एडजेक्टिव में बदलते हैं और फिर हम कैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव में बदलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं दोस्तों पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रूल वन की। रूल वन क्या कहता है दोस्तों? रूल वन में हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है, इसमें मान लीजिए जैसे टॉल दिया हो, हाई दिया हो, स्मॉल दिया हो, या फिर आपको ग्रेट दिया हो या फिर लॉन्ग दिया। टॉल, हाई, स्मॉल, ग्रेट और लॉन्ग, ये दोस्तों वन सिलेबल के मिलने से बना है, एक सिलेबल के मिलने से बना है। इसलिए जब भी हम इसको कॉम्परेटिव में बदलते हैं तो ER जोड़ते हैं और जब सुपरलेटिव में बदलते हैं तो EST जोड़ते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री में ER लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। जैसे टॉल है तो टॉल का कॉम्परेटिव डिग्री टॉलर होगा, सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट होगा। जैसे हाई है तो हाई का कॉम्परेटिव डिग्री हायर होगा, सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट होगा। जैसे दोस्तों स्मॉल है तो स्मॉल का कॉम्परेटिव डिग्री स्मॉलर होगा, सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट होगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों कि कॉम्परेटिव डिग्री में ER जुट रहा है और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जुट रहा है? EST जुट रहा है। तो जैसे टॉल का टॉलर, हाई का हायर, स्मॉल का स्मॉलर, ग्रेट का ग्रेटर, जैसे लॉन्ग का लॉन्गर है। तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें ER जुट रहा है और सुपरलेटिव में क्या जुट रहा है दोस्तों? EST जुट रहा है। जैसे ग्रेट का ग्रेटर और ग्रेटेस्ट हो गया, लॉन्ग लॉन्गर और सुपरलेटिव में लॉन्गेस्ट हो गया। तो इसमें क्या जुट रहा है? EST जुट रहा है। देखिए सब में क्या जुट रहा है? EST जुट रहा है। तो ये था आपका पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का नियम, जिसमें हम लोग ये सीखे कि कैसे हम पॉजिटिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। कॉम्परेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल वन था दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को कॉम्परेटिव एडजेक्टिव्स तथा सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में कैसे बदलते हैं। साथ ही साथ आप ये ध्यान देंगे कि ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो वन सिलेबल के मिलने से बने हैं। जैसे मान लीजिए टॉल है, हाई है, स्मॉल है, ग्रेट है, लॉन्ग है, ये सारे वन सिलेबल के मिलने से बने हैं। और वन सिलेबल के मिलने से जो एडजेक्टिव्स बने होते हैं उसी में हम ER और EST का प्रयोग करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे जैसे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें मोर लगता है या मोस्ट का प्रयोग भी होता है, तो वो एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल के मिलने से बने होते हैं। तो उसमें मोर लगता है और मोस्ट लगता है, लेकिन इसमें कॉम्परेटिव डिग्री में ER लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री जो बनाएंगे उसमें हम EST का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़े ER और EST के बारे में, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो गया,
हाई हायर हाइएस्ट हो गया, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट हो गया, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट हो गया। तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या लग रहा है दोस्तों, ईआर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लग रहा है, ईएसटी। ये दो चीज़ आप याद रखेंगे कि कॉम्परेटिव में हमेशा ईआर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ईएसटी लगता है। और कब लगता है, जब एडजेक्टिव वन सिलेबल के मिलने से बना होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रूल सेकंड के बारे में। ये रूल फर्स्ट था जिसमें हमने ईआर और ईएसटी के बारे में सीखा कि कैसे हम ईआर जोड़ते हैं, कैसे हम ईएसटी जोड़ते हैं। एक चीज़ आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सिलेबल किसे कहते हैं दोस्तों। तो सिलेबल का अर्थ होता है ऐसा वर्ड जिसको हम जितना बार पढ़ते हैं और ब्रेक करते हैं, वह वर्ड उतने सिलेबल का वर्ड कहलाता है। अब आइए हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, रूल सेकंड की बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों इसमें बेसिकली हम एडजेक्टिव को चेंज करना सीख रहे हैं कि कैसे एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो ये जो नियम है दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री का अंत अगर ई पे होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ब्रेव आपको दिया है तो ब्रेव किस पे समाप्त हो रहा है, ई पे, तो ई के बाद आपको कॉम्परेटिव में आर जोड़ देना है और एसटी जोड़ देना है किस में, सुपरलेटिव डिग्री में। तो ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, जैसे वाइट दिया है, जितने भी कलर होते हैं सबका नाम जो है वो एडजेक्टिव होता है, तो वाइट का वाइटर होगा, वाइट लिख करके कॉम्परेटिव में आर जोड़ देना है और सुपरलेटिव में क्या जोड़ना है दोस्तों, एसटी जोड़ देना है, तो वाइट, वाइटर और वाइटेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको वाइज दिया है, तो वाइज में क्या है, ई है लास्ट में, तो आर जोड़ दीजिए तो वाइज का वाइजर हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ दीजिए, एसटी जोड़ दीजिए तो वाइजेस्ट हो जाएगा, वाइज वाइजर और वाइजेस्ट होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए फाइन दिया है, तो फाइन का क्या हो जाएगा, फाइनर हो जाएगा, ई आर जुड़ जाएगा, इसमें फाइनेस्ट हो जाएगा, इसमें आपको ई एस टी जुड़ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जहाँ जहाँ ई आर होगा, पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव का अंत अगर ई आर पे होता है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में सिर्फ जो है हमको क्या जोड़ना होता है, आर जोड़ना होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ई के बाद क्या जोड़ना होता है दोस्तों, ई एस टी। जैसे एबल है तो एबल में ई है, अब कॉम्परेटिव में आर जोड़ दीजिए, सुपरलेटिव में एस टी जोड़ दीजिए, तो एबल, एबलर और क्या हो जाएगा, एबलेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एबलेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ई पे जो भी समाप्त होंगे उसमें कॉम्परेटिव में आर जुड़ जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जुटेगा दोस्तों, ई एस टी जुड़ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में एस टी जुड़ जाएगा, चूँकि ई तो पहले से ही है तो सिर्फ आपको एस टी जोड़ देना है। इस तरह से आप पॉजिटिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट हो गया, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट हो गया, जैसे एबल, एबलर, एबलेस्ट हो गया, क्या जुट रहा है दोस्तों, इसमें एस टी जुट रहा है और ई के बाद एस टी जुटता है। याद रखिएगा, कभी भी ई के बाद एस टी जुड़ेंगे, ये नहीं कि ई को हटा करके एस टी जुड़ेंगे, जो ई होगा उसके बाद हम एस टी का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा रूल नंबर सेकेंड, जिसमें हम लोग ये जाने कि जो ई रहता है उसके बाद हम सिर्फ आर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई के बाद एस टी जोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर थ्री की। ये रूल नंबर सेकेंड था, इसके पहले हमने रूल नंबर फर्स्ट के बारे में आपको बताया था कि अगर कोई एडजेक्टिव वन सिलेबल के मिलने से बना होता है तो ई आर और एस टी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर ई पे समाप्त हो रहा है तो कॉम्परेटिव में सिर्फ आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में एस टी का प्रयोग करते हैं। अब जो हम रूल थ्री जो हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट को ही हम लोग शॉर्टकट में सी बी सी कहते हैं। तो अगर पॉजिटिव डिग्री का अंत सी बी सी पे होगा, तो जब इसको हम लोग बदलेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में, तो जो सी बी सी है इसमें लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, यानी सी सी को दो बार लिखेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे ई आर, क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ई आर जोड़ेंगे, और फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस डी जोड़ेंगे,
जैसे मान लीजिए कि सीबीसी है, एसडी जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा डबल कंसोनेंट हो जाएगा। जितने भी लास्ट जो लास्ट थ्री लेटर्स हम लोग देखते हैं, आप जानते भी हैं कि एसडी में जो है ईएसटी जुड़ता है और सीडी में ईआर जुड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा बीग, तो देखिए बीग बी क्या है, कंसोनेंट है, आई क्या है, वोवेल है, जी क्या है, कंसोनेंट है। तो यहाँ पे कंसोनेंट, वोवेल और कंसोनेंट आ गया, हॉट हो गया या फैट हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, और साइड साइड में क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है। जैसे सैड है, जैसे बिग मीन्स बड़ा हो गया, हॉट मीन्स क्या हो गया, गर्म हो गया, फैट मीन्स क्या हो गया, मोटा हो गया, सैड माने क्या हो गया, उदास हो गया, लास्ट वाला लेटर जो है वोवेल है और साइड साइड में क्या है, कंसोनेंट है। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले जो लेटर्स हैं उसी को डबल करना है, मतलब डबल जी कर देना है, डबल टी कर देना है। एक और एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, जैसे थीन है, तो लास्ट तीन वर्ड देखना है, एच आई एन है, एच क्या है, एच जो है कंसोनेंट है, आई क्या है, वोवेल है, एन क्या है, कंसोनेंट। तो एच आई एन थ्री लेटर्स देख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल करना है, तो बिग जैसे वैसे लिख दीजिए, जैसे बिग है वैसे लिख दीजिए, और जी को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो डबल जी हो जाएगा, और ईआर जोड़ दीजिए तो बिग बिगर बिगेस्ट हो जाएगा, ईआर जोड़ दीजिए इसमें। फिर एसडी में जब चेंज कीजिए तो बिग है तो बिग को बिग लिख दीजिए, और इसमें जी को डबल करके और इसमें ईएसटी जोड़ दीजिए, तो बिग बिगर बिगेस्ट हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो जो भी कंसोनेंट है लास्ट वाले उसको डबल कर रहे हैं। जैसे हॉट है तो डबल टी ई आर हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में हॉटेस्ट हो जाएगा, एच ओ डबल टी ई एस टी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे डबल जी है, डबल टी है, फैट में डबल टी हो जाएगा, फैटेस्ट फैटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में फैटेस्ट हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो फैटेस्ट हो जाएगा, डबल टी एस टी। अगर सिंगल का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा, फैड सैड है तो सैड सैडर हो जाएगा और ये सैडेस्ट हो जाएगा। उसी तरह आपका थीन है तो थीनर और थीनेस्ट हो जाएगा। तो सैडर में क्या लग रहा है दोस्तों, ई आर लग रहा है, सैड सैडर और सैडेस्ट है। और थीन है, लास्ट थ्री लेटर्स को देखिए, एच आई एन है, एच आई एन है, तो एन डबल एन ई आर हो जाएगा, थीन थीनर और थीनेस्ट हो जाएगा। तो ये रूल थ्री आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर पॉजिटिव डिग्री सीबीसी के फॉर्म में होता है तो लास्ट वाले कंसोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, और फिर उसमें ईआर और क्रमशः ईएसटी का प्रयोग करके हम पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो करते क्या हैं, डबल कंसोनेंट कर देते हैं, डबल कंसोनेंट करते हैं और ईआर जोड़ते हैं कंपेरेटिव में, डबल कंसोनेंट करके ईएसटी जोड़ते हैं सुपरलेटिव में। जैसे आप देख रहे होंगे डबल जी, डबल टी, डबल टी, डबल डी और यहाँ पे डबल एन है, उसी तरह डबल जी है इसमें, इसमें डबल टी है, डबल देख ही रहे हैं, और लास्ट में क्या जुट रहा है, ईआर जुट रहा है। तो ये हम लोग जाने रूल थ्री के बारे में दोस्तों कि कैसे हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो इसमें लास्ट वाले कंसोनेंट को दो बार लिख करके और इसमें ईआर और ईएसटी का प्रयोग किया जाता है, ये रूल नंबर आपको थ्री था। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं रूल नंबर फोर की। जब तक आपको एडजेक्टिव्स को चेंज करने नहीं आएगा तब तक दोस्तों आप कभी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते। इसको जानने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले एडजेक्टिव को चेंज करना आना चाहिए। अब जो हम लोग रूल का बात कर रहे हैं, रूल फोर, इसमें जैसे पॉजिटिव डिग्री का अंत अगर कंसोनेंट प्लस वाई पे होता है, किस पे दोस्तों, कंसोनेंट प्लस वाई पे, तो कंसोनेंट वाई, कंसोनेंट प्लस वाई तो आप समझ रहे हैं, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं और रिमेंस ये जो लेटर्स होते हैं इनको छोड़ करके जो लेटर्स होते हैं उनको कंसोनेंट लेटर्स कहते हैं। तो इसमें आपको वोवेल और कंसोनेंट समझना होगा कि कंसोनेंट प्लस अगर वाई होगा तो क्या करेंगे आप, वाई के स्थान पे कंपेरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जोड़ेंगे, आई ई एस टी, एस डी में आई एस टी जोड़ना है। जैसे ई जी है, लास्ट लेटर को देखिए दोस्तों वाई है, जैसे बी जी है, ई जी है, बी जी है, या फिर आपको हेल्दी है, हेल्दी में देखिए दोस्तों वाई है, या फिर वेल्दी है, वेल्दी में वाई है, या फिर आपको जो है हेवी है, एच ई ए भी वाई है। ई जी माने आसान होता है, बी जी माने व्यस्त होता है,
हेल्दी मतलब जो है स्वस्थ होता है, वेल्दी माने धनवान होता है, हेवी मतलब भारी होता है, लेजी मीन्स आलसी होता है। तो लास्ट जितने भी इसमें लेटर हैं सब में क्या रहा है, वाई आ रहा है। तो आपको क्या करना है, वाई को रिमूव कर देना है। रिमूव का मतलब क्या होता है दोस्तों, हटा देना है। आपको वाई को क्या करना है, हटा देना है। और वाई को हटा करके आपको इसमें आई ई आर का प्रयोग करना है। किस डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में। कॉम्परेटिव डिग्री में आपको आई ई आर जोड़ना है। तो ई जी ई जी आर, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, ईजीएस्ट हो जाएगा। वाई को हटा देंगे, आई एस टी जोड़ देंगे, तो ई जी ई जी आर क्या होगा, ईजीएस्ट हो जाएगा। जैसे बी जी है, तो बी जी में वाई को क्या करना है, हटा देना है, आई आर जोड़ देना है, तो बी जी बी जी आर क्या होगा, बीजीएस्ट हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों जैसे हेल्दी दिया है, देख रहे हैं आप एस डी में क्या लग रहा है, ई एस आई एस टी लग रहा है, और सी डी में आपको आई आर लग रहा है। उसी तरह हेल्दी है, तो हेल्दी तो हेल्दियर हो जाएगा, और ये हेल्दीएस्ट हो जाएगा, आपको आई एस टी जोड़ देना है। तो हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दीएस्ट होता है दोस्तों। वेल्दी में क्या करना है, वेल्दी वेल्दियर आई आर जोड़ देना है, वेल्दीएस्ट हो जाएगा, आई एस टी हो जाएगा, वेल्दी वेल्दियर और वेल्दीएस्ट आई एस टी हो जाएगा। हेवी है, तो हेवीएस्ट हेवियर हो जाएगा, वाई हटा दीजिए, आई आर जोड़ दीजिए, तो हेवी हेवियर और हेवीएस्ट हो जाएगा, हेवी हेवियर और हेवीएस्ट हो जाएगा। लेजी है, तो लेजी लेजियर आई आर लेजीएस्ट हो जाएगा, एल ए जेड आई एस टी हो जाएगा, लेजी लेजियर लेजीएस्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने कॉम्परेटिव डिग्री को, पॉजिटिव डिग्री को हमने आपको बताया कि जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसमें जहाँ पे लास्ट में वाई आएगा उस वाई को हटा करके और कॉम्परेटिव डिग्री में आई आर जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो आई एस टी जोड़ देंगे। और किसके स्थान पे लिखना है दोस्तों, तो ये हमेशा आपको वाई के स्थान पे, जैसे ई जी ई जी आर ई जी एस ई जी एस्ट बी जी बी जी आर बी जी एस्ट। जैसे आपको क्या जुट रहा है इसमें, आई आर जुट रहा है, इसमें क्या जुट रहा है, आई एस टी जुट रहा है। और किसको हटा करके, तो वाई को हटा करके आई एस टी जोड़ेंगे, और वाई को हटा करके क्या जोड़ेंगे, आई ई आर जोड़ेंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाई को बदल देते हैं किस में, आई में, और इसमें वाई प्लस आई एस टी किस में लगेगा, एस डी में, और वाई प्लस वाई के जगह पे आई आर किस में लगेगा दोस्तों, कॉम्परेटिव डिग्री में। और वाई को हटा देना है और आई आर जोड़ देना है कॉम्परेटिव डिग्री में, आई आर जोड़ना है कॉम्परेटिव डिग्री में, और आई एस टी किस में जोड़ना है, सुपरलेटिव डिग्री में। किसको हटाएंगे दोस्तों, वाई को हटाएंगे। तो ये था रूल नंबर 4 दोस्तों, जिसमें हम लोग सीखे कि पॉजिटिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको एडजेक्टिव को चेंज करने नहीं आएगा कि कैसे हम पॉजिटिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, तब तक दोस्तों आप कभी भी इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। तो रूल नंबर 5 क्या है दोस्तों, रूल नंबर 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 में आपको ई आर और ई एस टी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये डिफरेंट होता है। इसमें पॉजिटिव डिग्री अलग होगा, कॉम्परेटिव डिग्री अलग होगा, सुपरलेटिव डिग्री अलग होगा। इसमें आपको ये रटना होता है, याद रखना होता है, जैसे गुड हो गया, वेल हो गया, बैड हो गया, ईल हो गया। गुड मीन्स अच्छा, वेल मतलब ये अच्छा, बैड और ईल दोनों का मतलब बुरा ही होता है। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाए जैसे लिटिल, लिटिल माने 9 के बराबर होता है। और इसके बाद मेनी है, मच है, जिसका अर्थ बहुत होता है। तो गुड हो, वेल हो, बैड हो, ईल हो, लिटिल हो, मेनी हो, मच हो, तो इसको हम लोग कैसे, तो गुड का बेटर होता है दोस्तों, गुड का बेटर होगा, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट होगा। वेल का भी सेम होता है, बेटर और बेस्ट ही होता है। ये नहीं कि वेल का वेलर लिख देंगे, गुड का गुडर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। बैड का ओर्स होता है, डब्ल्यू ओ आर एस ई, डब्ल्यू ओ आर एस ई, एस टी, एस टी लग जाता है आपको सुपरलेटिव डिग्री में, तो ओर्स ओर्स्ट हो जाता है। इसमें भी आपको ओर्स्ट हो जाता है, जैसे लिटिल है तो ये लेस हो जाएगा, ये लिस्ट होता है दोस्तों, लिटिल लेस और लिस्ट। मेनी है तो इन दोनों का मोर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे कि गुड बेटर बेस्ट होता है, वेल बेटर बेस्ट होता है, बैड ओर्स ओर्स्ट होता है, ईल ओर्स ओर्स्ट होता है, लिटिल लेस लिस्ट होता है,
मेनी और मच का कंपरेटिव डिग्री मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट होता है। तो ये रूल नंबर 5 था दोस्तों, जिसमें हम लोग ये सीखे कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं पॉजिटिव में, कंपरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये रूल नंबर 5 था। अब आइए हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 6 के। रूल नंबर 6 जो दोस्तों, रूल नंबर 6 जो है, इसमें हम लोग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव एडजेक्टिव, कंपरेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव, इसमें आपको समझना होगा दोस्तों सिलेबल क्या होता है। सिलेबल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। सिलेबल का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा शब्द जिसको हम जितने बार पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए ब्रेक करते हैं। जैसे हैंडसम, तो हैंडसम 2 सिलेबल का वर्ड है। हैंडसम जो है वो 2 सिलेबल का वर्ड है। जैसे मान लीजिए हम लिखे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट, देखिए दोस्तों इसमें इंटेलिजेंट को ले लीजिए या लेबोरियस को ले लीजिए या फिर आप पावरफुल को ले लीजिए या फिर आप जो है हार्मफुल को ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ब्यूटीफुल को ले लीजिए, तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स देख रहे हैं, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, लेबोरियस है, पावरफुल है, हार्मफुल है, ब्यूटीफुल है, ये एक से अधिक लेवल के मिलने से बने हैं। तो कॉम्परेटिव डिग्री में मोर लगा देंगे दोस्तों, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे। अब इसमें आप ER और ST का प्रयोग नहीं कर सकते। और ये कहाँ लगेगा दोस्तों, तो पहले लगेगा। जैसे हैंडसम है तो कॉम्परेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो हैंडसम का क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम हो जाएगा। और सुपरलेटिव क्या होगा दोस्तों, तो सुपरलेटिव आपका मोस्ट हैंडसम हो जाएगा। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। उसी तरह इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेबोरियस का मोर लेबोरियस और मोस्ट लेबोरियस हो जाएगा। तो जितने भी एक से अधिक सिलेबल के मिलने से बने वर्ड्स होते हैं, उसमें हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक से अधिक सिलेबल के मिलने से बना होना चाहिए। अगर एक से अधिक सिलेबल के मिलने से बना है तभी आप मोर और मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक से अधिक सिलेबल के मिलने से नहीं बना है तो आप उसमें ER और EST का प्रयोग करेंगे। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। इंटेलिजेंट जो है 3 सिलेबल का वर्ड है, इसलिए इसमें मोर लगेगा। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको यूजफुल दे दिया, उपयोगी होता है, तो यूजफुल कितना वर्ड, कितने सिलेबल का है, 2 सिलेबल, तो मोर यूजफुल होगा। और ये क्या होगा, मोस्ट यूजफुल होगा। इसमें आपको मोर और मोस्ट का यूज करना होता है। और याद रखना होता है कि ये एडजेक्टिव जो है 1 सिलेबल के नहीं होते हैं, ये मोर देन 1 सिलेबल के मिलने से बने होते हैं। और ये जो है, जहाँ भी मोर लगता है या फिर आपको मोर लगता है या फिर जहाँ पे ER, एडजेक्टिव में ER लगता है, तब वहाँ पे दोस्तों हम देन का प्रयोग करते हैं। किसका, देन का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी मोर और एडजेक्टिव या एडजेक्टिव में ER होता है तो हम देन का प्रयोग करते हैं। अब आइए दोस्तों हम रूल एक नोट के बारे में हम लोग जानते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है दोस्तों। ये जो नोट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको ये समझना होता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्परेटिव डिग्री में करते हैं, CD में करेंगे। CD का मतलब कॉम्परेटिव डिग्री। और ये ऐसे एडजेक्टिव हैं दोस्तों जो केवल CD में आएंगे और इनका अंत होगा OR पे। जैसे सीनियर हो गया, जैसे जूनियर हो गया, या फिर आपको मेजर हो गया, या फिर माइनर हो गया, MINOR माइनर होता है, या सुपेरियर हो गया, SUPERIOR, इन्फेरियर हो गया, इंटेरियर हो गया। इंटेरियर में देखिए दोस्तों, इंटेरियर है, लास्ट में क्या आ रहा है, सब में OR आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो OR है ये कॉम्परेटिव डिग्री में ही यूज होगा दोस्तों, इसका प्रयोग हम सुपरलेटिव में नहीं करते। और इसके साथ हमेशा 2 आता है, और 2 के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। आप कभी भी 2 के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस समझ लीजिए, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि सी इज जूनियर टू मी। यहाँ पे मी क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस है। आई को कहेंगे नॉमिनेटिव केस। अगर सी इज जूनियर देन आई लिखेगा तो ये सेंटेंस गलत होगा।
जूनियर देन आई नहीं होता है, या ऐसे भी आप नहीं लिख सकते हैं, सी इज जूनियर और जूनियर के बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए टू और फिर यहाँ पे आई लिखे, गलत होता है। आई क्या है? आई नॉमिनेटिव केस है। आपको इसमें हमेशा जो है जहाँ भी ओ आर आ रहा है वहाँ पे टू के साथ ऑब्जेक्टिव केस आपको लाना होता है। ऑब्जेक्टिव केस समझिए दोस्तों, मी हो गया, अस हो गया, या फिर हीम हो गया, या फिर हर हो गया, या फिर आपका देम हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। और नॉमिनेटिव केस क्या है दोस्तों? जैसे आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, समझ रहे हैं दोस्तों, दे हो गया, वो सब नॉमिनेटिव केस होता है या सब्जेक्टिव केस होता है। और इसमें जो है हम यूज़ करते हैं किस किस का? तो टू के बाद हमेशा यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। तो इस प्रकार से हमने इसमें केवल और केवल एडजेक्टिव्स को कैसे पॉजिटिव को से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं इसके बारे में हम अध्ययन किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।